जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिस्म की मांद जान के नाज़क करना मोहब्बत इससे, यसू की शहज़ादी है ये रखना उल्फत इससे, रखना उल्फत इससे। तू सर इसका मसीह सर तेरा, सरतम से जुदा ना करना, सरतम से जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। आज के दिन हम लोग यही सीखे कि छोटा छोटा प्रॉब्लम अगर हम गंभीरता से लेके उसको वचनों के द्वारा, वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आने वाली जिंदगी में वो प्रॉब्लम नहीं आता है। परमेश्वर का पति पत्नी के बारे में क्या प्लान है, और इन बातों को हमने कभी अपने धर्म में, हम दोनों हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कभी नहीं सुना, कभी सीखा नहीं। विशेषकर जो एक बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है इसकी एक शिक्षा जो कि भैया बड़ा बताते हैं कि प्राथमिकता क्या क्या होनी चाहिए, मतलब परमेश्वर के बाद जो सेकेंड प्रायोरिटी है वो पति पत्नी का होना चाहिए। शायद ऐसा समय था जब हमारे परिवार शायद टूट भी सकता था, मुझे भी ऐसा लगा था, परंतु ये 4 साल की जब विश्वास में आया और पति पत्नी सेमिनार जो हमने हम तुम प्रोग्राम अटेंड किया, उसी में साथ आज हम एक साथ है खड़ा है, उसकी मैं खास गवाही। जैसे कि दीदी ने बताया कि हम बहुत तरीके से शारीरिक रूप से भी अलग है, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उस लेवल पे मेरे को बहुत हिम्मत मिली कि मतलब हम एक दूसरे को समझ पाए, क्योंकि बहुत जगह इसी लेवल पे हमारी लड़ाइयाँ होती थी और क्योंकि हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते थे। दिल जान से जुदा ना करना, दिल जान से जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। हम जो खुशियों में हैं शामिल, आँख ना इनसे चुराए, बरकत चाहे इस जोड़े पर, हिम्मत इनकी बंधाए, हिम्मत इनकी बंधाए। सच्ची बातों से कभी इनको जुदा ना करना, कभी इनको जुदा।